फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरी वुमेन जो यहाँ पे सब जो महिलाएं हैं सबके लिए बहुत बहुत हैप्पी वुमेन्स डे एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप सब ने मुझे यहाँ पे दोबारा मौका दिया यहाँ पे आने के लिए। और मैं आप सबको सब ये बोलना चाहती हूँ कि वुमेन्स डे हर रोज ही वुमेन्स डे होता है, हम कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं आज जिस स्टेज पे पहुंची हूँ मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं कुछ फैशन या ग्लैमर इंडस्ट्री में जाऊँ, बट क्योंकि मेरी थोड़ा शादी जल्दी हो गई और मैं अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो गई कि मैं अपना कभी ड्रीम फॉलो नहीं कर पाई। बट कुछ दो साल पहले मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने मेरा इतना साथ दिया कि मेरे तीन बच्चों के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि अब तुम्हारा टाइम आ गया, अपना ड्रीम फॉलो करो। एंड देयर इज नो एज कि तुम अपना ड्रीम फॉलो करने के लिए तुम्हारी कोई एज नहीं होती। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया एंड आई वन मिसेज इंडिया और अब नेक्स्ट ईयर मैं मिसेज अमेरिका के लिए भी जा रही हूँ। कि अपने ड्रीम्स फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम एंड नेवर लुक बैक। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट योर पावर। यू आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट एंड वी विल ऑलवेज बी द बेस्ट। सो हैप्पी वुमेन्स डे टू ईच एंड एवरी वुमन हु इज हियर। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। मुझे आई वॉज वेरी लकी, मुझे मौका मिला उनके साथ आगरा जाने का और वो हमारे ऑफिस में आए और मैं उनकी फैमिली के साथ, उनके तीनों बच्चों के साथ, उनके साथ मैं बहुत क्लोज रही। और मिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने आके हमारे पूरे एम्बेसी में आके एक एक एम्प्लॉय से मिले और उन्होंने हमारे कनाडा इंडिया को बहुत बहुत सपोर्ट किया। और वैसे ही मैं चाहती हूँ कि हमारा इंडिया और नेपाल का भी रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए और मैं खुद नेपाल बहुत विजिट करती हूँ। आई लव दिस दैट कंट्री एंड आई ऑलवेज वॉन्ट कि जितने भी यहाँ हैं नेपाल शुड बी द बिगेस्ट टूरिज्म ऑफ इंडिया। थैंक यू।